हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल ब्लॉग्स में। तो वीडियो की शुरुआत करने के लिए आज चिंकी भी आई। कुछ कहना चाहोगे भाई? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, सब बताने जा रहे हैं। कुछ मंगाना? नहीं, आज नहीं मंगाना। कुछ स्टेशनरी का सामान अगर इसे चाहे तो बता दे, जब भी मैं बुलाने जाऊँ। और आज प्रीति और मैं बुलाने जा रहे हैं। क्या लाओगे तुम? कान्हा जी की छठी की तैयारी करनी है। कान्हा जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, 5-6 दिन होने वाले हैं उसके, और छठी पूजी जाएगी, तो छठी की तैयारी है। क्या लेके आओगे? चलो तो बाजार में जाके पता चलेगा क्या क्या लेकर आए। फिलहाल तैयार हो गए, प्रीति भी होगी तैयार और मैं भी हूँ। मैं क्या तैयार होना? ये कपड़े जो करते रहे ये यहाँ कर लिए, इन्हें पहन के पुराने चले जाओ। तो चलिए रेडी हो गए हैं चलने के लिए। और आर उसी बेटा 4 बजे ट्यूशन में चले जाना। ठीक है, ठीक है, ओके ओके तो करा नहीं? ठीक है। तो मार्केट में पहुंच गए हम लोग शॉप पे, और सबसे पहले देखेंगे हम लोग सूट। सूट दिखाने शुरू कर दिए इन्होंने। एक तो यार नीला आगे, पीला कलर यही चले इसमें, हरा नीला पीला लाल है। प्लाजो वाला भी दिखा रहे हैं, बने हो गए हैं रेडीमेड प्लाजो है। ये आगे लोग अरे जी बात चल रही थी, ये तो है 700 लगभग रेंज वाले। रेंज बढ़ानी पड़ेगी कुछ। बाजार में बहुत घूम फिर कर कई सारी दुकानों पे, और 2 सूट हम लोगों ने सेलेक्ट करे थे। कौन कौन से हैं चलो दिखा देते हैं। तो जो 2 सूट लाए थे, एक तो ये पहला सूट है ये ग्रीन कलर का, और दूसरा ये कौन सा कलर बोल रहे हैं, ये मैरून कलर का है। और इस तरह मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा ये इसलिए भी पसंद है, कपड़ा तो इसका सॉफ्ट है ही, और इस पर ज़्यादा कढ़ाई नहीं है। निकालो एक बार पन्नी में से, देखो पन्नी में से निकालो, देखो एक बार इस पर ना, केवल गले के पास में ही थोड़ा सा डिजाइन है ये, बाकी सूट पे छोटे छोटे से डिजाइन है, ज़्यादा कढ़ाई ज़्यादा वर्क नहीं है इस पर, और बहुत ही सुंदर सूट लग रहा है ये। और दूसरा एक ग्रीन कलर का है, रेड 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 हो रहे थे ज़्यादा, रेड ग्रीन येलो भी ज़्यादा मिले, तो एक ग्रीन के साथ मैरून कलर भी एक मिल गया। और दूसरे का कैटलॉग ये है, देखो इस तरह का डिजाइन है इस वाले सूट पे, और ये दुपट्टा है इसका बिल्कुल ऐसा ही है सारा, दुपट्टा कुछ हैवी है। हाँ जी, ये कलर है, ये कलर है सूट का। और ये दोनों ना सूट मेरी जेठानियों के लिए है, दोनों जेठानियों के लिए, क्योंकि इस टाइम पर ना दोनों है यहाँ पे, मेरी आई हुई है बड़े वाली दीदी और छोटे वाली भी है। तो मैं जो कान्हा जी की छठी है ना, अपने दोनों जेठानियों से पूछवाऊंगी, तो मैं ये दोनों दोनों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है, कैसे लगेंगे। अकेला कपड़ा नहीं पूजा करते, तो इस सूट के साथ एक पैंट शर्ट का जोड़ा भी घर से ही लगा दिया। ये एक जोड़ा ये हो गए, और दूसरा इस सूट के साथ भी एक पैंट शर्ट का जोड़ा लगा देंगे। तो बोल रही थी कि अकेला नहीं रखना चाहिए। वो बच्चे यहीं रहे थे, 3 तो साथ में गए थे, ये तो अपने खाने का सामान भी वहीं से ले आए, और इनके लिए क्या कह रही? आप अगली बार जाना ठीक है, आपके लिए आइसक्रीम लेकर आया ना मैं यहीं, और चिंकी के लिए ले। आप अभी छोटे हो, बाजार में जाने लायक नहीं हो। और चिंकी बढ़िया है आइसक्रीम, बहुत बढ़िया किंडर जो चाहिए। पहले आइसक्रीम खाओ, चॉकलेट दूंगा फिर टॉफी दूंगा, और कलर बच्चों के किंडर जो भी दूंगा। रुक जाओ गुड्डू बेटा, कलर कौन कौन से लाए दिखाओगे? पिचकारियाँ हैं, कलर है इसमें सारे। वाओ है, मेरे लिए? हाँ तेरे लिए ही है पिचकारी है, और कलर इतने सारे। वाओ लाओ, ये है बच्चे। क्या कह रही? चाट के दिखाओ कैसे खाई जा, ऐसे खाई जा। तेरी बड़ी मम्मी को नहीं आती खानी, आपकी तो इतनी बड़ी जीभ है, आपकी किसकी बड़ी है जीभ किसकी है? आपकी तो इतनी बड़ी जीभ है, 1 महीने मट जाएगी है, तो मेरी छोटी है। क्या बोल रहे इसके भीतर, तेरी मम्मी की बड़ी जीभ है, 1 महीने खत्म हो जाएगी, अब तेरी छोटी है। दोनों तो सारे कलर, ये भी रखो, ये बैलून्स हैं और नीचे कलर्स हैं इस डब्बे में, कुछ ये कलर हैं और ये कलर है, सारे इसमें रख लो वो हैं, और उसी दिन निकालियो सारे जब होली खेल लेंगे। ये आरुषि देख क्या कह रही, ठीक है हाथ उठा के,
इसे तो देख लो। नंदनी कह रही है आरुषि हैप्पी बर्थडे, क्यों आरुषि की नानी जी ने बर्थडे गिफ्ट भिजवाया इसके मामा जी ले गए गौरव फूल। ये है तेरा बर्थडे गिफ्ट। ये तो देखो क्या कह रही है आरुषि हैप्पी बर्थडे। ये देखो काना जी का, काना जी का ये पालना आया। अपने मामा जी के साथ बैठ के क्या लेगी कटोरी में ले। आज मम्मी आ गई, आज तो अपने मामा जी के पास आज नहीं शर्मा रही है। ले लो चाय। क्या लेगी नंदिनी बता रही है तो अपने आप ही नमकीन ले गया। यारी चम्मच अपने मामा जी को तो खा लेना है। कौन सी पोएम गा रही सुर सा? कौन सी पोएम गा रहे आप मुंह में देते हैं? खाके पीके मोटे होके चोर बैठे, चोरों वाला डब्बा कटके पहुंचा सीधा शाबाश। पिंकी यहाँ गोलगप्पा टेस्ट कर रही है, गोलगप्पे बनाए हम लोगों ने, देखो ये बन गए कितने सारे। और ठंडी चाट भी बनी राजभोग, पानी को तस्सों को पानी उसमें है। और चिंकी सबसे पहले टेस्ट कर रही भगवान जी का भोग लगाने के बाद, बताओ कैसा लगा? इधर देख के चिंकी बढ़िया लगे। फ्रेंड्स कन्हैया जी की छठी है हमारे यहाँ, आज छठा दिन है उनकी प्राण प्रतिष्ठा को। और क्या क्या तैयारी चल रही है जी खाने में? खाने में वो सब बनेगा जो जरूरी है छठी के लिए। छठी में क्या क्या बनेगा? हलवा पूरी कढ़ी चावल पूड़े छुआनी सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें बनेंगी। तो यहाँ गैस के चूल्हे पे ये तो हलवा बनाने की तैयारी है। और इस तरफ क्या बन रहा है? ये चावल बन रहे हैं, और मिट्टी के चूल्हे पे उधर कढ़ी और खीर बन रही है। तो दो दो चूल्हे चला रखे यहाँ पे, तैयारी है छठी का। पहले खाना बनाओगे बाद में पूछी जाएगी छठी। हेलो गाइस, ये आ गई माही। हेलो गाइस, 11:22 हैं। हेलो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स बच्चों ने देखो गाने भी बजा रखे छठी पूजने में। यहाँ बच्चे डांस भी कर रहे थे, बच्चों को डांस दिखा देंगे। के चूल्हे पर तो बताया मैंने, वहाँ हलवा बन रहा और चावल बन रहे, और बाहर मिट्टी वाले चूल्हे पर ना कढ़ी पकनी शुरू है। तड़का लगा दिया था इसमें, तो यहाँ कढ़ी पक रही है और खीर बन रही है उसमें हारी में। तो प्रसाद तैयार हो जाएगा, बस पूजेंगे क्योंकि शाम का समय है। देखो कितने बज गए, शाम के 7 बज गए। तो कढ़ी जो इधर पक रही थी कढ़ी तो पक गई, और ये कढ़ी तो माँ जी ने कर ली भिगोने में। और इधर पूड़े बन रहे हैं और प्रसाद इधर तैयार होने लग रहा है। देखो क्या क्या बन गया, इसमें है हलवा, क्या ये छुआनी, ये है हलवा, ये कढ़ी चावल और पूड़े, ये पूजेंगे। और कुछ भी पूरी इसमें खीर और पूरी और रखी जाओगी प्रसाद जाओगा। खीर है वहाँ हरी में, और पूरी उतारी जाएंगी इसी में कढ़ाई में, तो प्रसाद पूरा हो जाएगा। पहले पूजा होगी और फिर खाएंगे सब घर वाले। तो पूजने की तैयारी शुरू हो गई है कान्हा जी की छठी, और प्रसाद सर तैयार है। जो कचौरी और खीर बच रही थी वो भी आ गई, तो दोनों थालियों में सभी प्रकार का भोजन है जो जो भी बताया था। और पूजा में शामिल बड़ी वाली भाभी है, और छठी पूज रहे हैं चिंकी है, दोनों भाभी हैं। और हमने अपने कान्हा जी का नाम रखा है बोला, देखो ये हमने नहीं रखा है, गुड्डू के पापा ने रखा, और उन्होंने सारे बच्चों के नाम रख रखे, तो इसलिए उन्होंने भी कान्हा जी का नाम सजेस्ट किया, क्योंकि सब कह रहे थे कि कान्हा जी का नामकरण भी करियो। तो उन्होंने कहा कि हम कान्हा जी को बोला बोल लग रहे हैं। और जी आज बोले की छठी है, और जो जो हमारे यहाँ पर बनता है बच्चों की छठी में उसी तरीके से हम लोग पूज रहे हैं। ज्यादा तो कुछ तो हमें आता ही नहीं, हमने पहले आपको बता दिया, अगर कोई भी कमी रह गई हो तो हमें बता दियो कि कैसे कैसे करना चाहिए। धीरे धीरे सीखेंगे हम, लेकिन धीरे धीरे हमें आदत बन जाएगी। काला जी का भोग लगना शुरू हो गया, सबसे पहले मीठे का, फिर कढ़ी चावल का, तुलसी के पत्ते लगाए सब में। हाँ, तुलसी के पत्ते खाने में जरूरी है, खीर खीर
और उसमें मिश्री मेवा मक्खन मिश्री मेवा बोलो लड्डू गोपाल की जय की जय। माँ की घड़ी पर कहाँ है? ये चटा दे। चटा दे वहाँ से अन्ना गुल्ला के यहाँ पे चटा दे। कपड़े आ जाएंगे फेरे मुझे। पहले मुझे तो ना लगा। इस बारी मैं की करो। लंबा चला जो। और पूजने के बाद हलवा सबसे पहले आरुष ने खाना शुरू कर दिया। चाचा जी और भाई साहब पिताजी खाना शुरू करेंगे अभी।